नमस्कार दोस्तों, चंद्रा किचन डिशेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी, ये अरहर के दाल, तुरई की सब्जी और चावल। गैस जला दिए हैं, चावल को हम रख दे रहे हैं। यहाँ भगोने में पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है ये तुरई छील रही हूँ। और अरहर के दाल को मुझे साफ करके धो लेती हूँ। पानी देखिए उबलने लगा है, इसी समय अरहर के दाल को डाल देंगे, इससे दाल बहुत जल्दी पक जाता है और खुले में दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कभी बना के देखिएगा। ये देखिए मही निकल गया है दाल में से, इसे निकाल देंगे। ये हम हल्दी, एक मिर्चा और लहसुन पीस रहे हैं। चावल में का पानी सूख गया है, देखिए इतना है। अब इसे गैस को स्लो कर देंगे, स्लो करके इसे ढक देंगे। अब दाल में डाल देंगे हल्दी, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट बना के हम डाल दिए हैं और थोड़ा सा बचाए हैं सब्जी के लिए। चावल हमारा हो गया है, गैस को कर देंगे बंद। तुरई को हमने छील के धो लिया है, अब इस तरह से काटना है। दाल में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। गैस जला के कढ़ाई रख दिए। यहाँ पे एक पराई सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल गरम हो गया है, जीरा डालेंगे, उसी समय लहसुन डाल देंगे, एक लाल मिर्च काट लिए हैं वो डाल रहे हैं, तुरई को डाल देंगे। ये मसाले जो मैंने दाल में डाले हैं इसे भी डाल देंगे। इसी समय नमक डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब ढक देंगे और गैस को मध्यम कर देंगे। दाल देखिए हमारा हो गया है, गैस को अब बंद कर देंगे। ये हमारा छौका लगाने वाली कटोरी है, यहाँ पे तेल डाल दे रहे हैं सरसों का, लहसुन डाल देंगे, जीरा मिर्चा डाल देंगे। लहसुन जब ब्राउन हो जाए तब हम छौका लगाएंगे। ब्राउन हो गया है, इसी समय हम डाल देते हैं धनिया को और इसी समय छौका लगा देंगे। थोड़ी देरी तक ढक देंगे। देखिए पानी छोड़ दिया है, अब हम गैस को तेज कर लेंगे। दाल देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। देखिए हमारे तरुई की सब्जी अब परफेक्ट बन के तैयार हो गया है और गैस को कर देंगे हम बंद और खाना आप सबके लिए परोस के दिखाती हूँ। मैं खाना आप सबके लिए परोस दी हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइए, अपने फैमिली को भी बना के खिलाइए। रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।